लेकिन घर में करणवीर ने ये स्टेटमेंट लिया था कि कहीं ना कहीं ईशा जो है वो अविनाश के प्यार में पड़ रही है। ये बात अगर आप बोल रहे हो तो मैं फ्लैशबैक में जाऊंगी कि हाँ ईशा बैठी तो थी करण के साथ, हाँ ईशा लहंगा तो दिखा रही थी अपना, हाँ अविनाश बोल तो रहा था वेरी नाइस तो मैंने तो ठीक है भैया इतनी प्यारी दोस्ती है, बिग बॉस के घर के अंदर इतनी हो गई है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ जा रहे हो, तो ये दोस्ती से शायद ज्यादा ही होगा। घर में तीन लोगों की एक तिगड़ी है, अविनाश, ईशा और एलिस। अब एलिस का तो डेफिनेटली बाहर उनका काफी टाइम से एक रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है सब जानते हैं, लेकिन घर में करणवीर ने ये स्टेटमेंट लिया था कि कहीं ना कहीं ईशा जो है वो अविनाश के प्यार में पड़ रही है। आप क्योंकि देख के आई, आपको कहीं भी ऐसा लगा कि ईशा और अविनाश धीरे धीरे दोस्त से ज्यादा हो रहे हैं? ये बात अगर आप बोल रहे हो तो मैं फ्लैशबैक में जाऊंगी कि हाँ ईशा बैठी तो थी करण के साथ, हाँ ईशा लहंगा तो दिखा रही थी अपना, हाँ अविनाश बोल तो रहा था वेरी नाइस क्योंकि अभी तक तो हमारे दिमाग में दोस्त वाले हैं कि तीनों ये पक्के दोस्त हैं चट्टी पट्टी वाले, बट यस इट्स ट्रू, जब अविनाश जा रहा था तो ईशा लिटरली शी वॉज क्राइंग एंड शी सैड कि मैं भी जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना है, मुझे भी बाहर निकालो। तो मैंने तो ठीक है भैया इतनी प्यारी दोस्ती है, बिग बॉस के घर के अंदर इतनी हो गई है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ जा रहे हो, तो ये दोस्ती से शायद ज़्यादा ही होगा। अगर अब आप ये मुझे बोल रहे हैं तो ठीक है भैया, अगर ये प्यार है तो उनके प्यार भगवान बहुत लंबा चलाए और क्या।